स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत दमदार ट्रिक, और इस चीज को, इस तरीके को आप जरूर अपनाइएगा ताकि आप लिंक्डइन जैसे इतने बड़े प्रोफेशनल B2B बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म का, जो वर्ल्ड वाइड हर प्रोफेशनल बड़ी कंपनी उनके बड़े बड़े पोस्ट के लोग एम्प्लॉयज सब यूज करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी या उसको कनेक्शन बनाने तो वो लिंक्डइन पे है। तो आपको लिंक्डइन के थ्रू सीरियस कस्टमर्स, अच्छी कंपनीज, बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपने बिजनेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अपनी मेहनत से, सिर्फ अपनी R&D रिसर्च से और अपनी कंसिस्टेंसी से फ्री में लीड्स, क्लाइंट्स पा सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, ये पूरा प्रोसेस में आने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया इस वीडियो में। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप भी अपने बिजनेस के लिए लीड्स और क्लाइंट्स गेन कर सकें, पा सकें, वो भी बिना पैसा खर्च करें मार्केटिंग के ऊपर। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लिंक्डइन इतना बड़ा जो B2B प्लेटफॉर्म है, एक कॉर्पोरेट और कंपनीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू लोग पैसा लगा के, एडवर्टीजमेंट चला के भी लीड्स जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। मगर आप इस वीडियो में जानोगे किस तरीके से हम अपनी मेहनत से और अपनी रिसर्च से कंसिस्टेंट रह के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिकली हम इससे लीड्स और क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने लिंक्डइन के अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप देखिए मेरा अकाउंट है, सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे आया। तो दोस्तों आप अगर किसी को अप्रोच करोगे अपने अकाउंट के थ्रू, तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें प्रोफाइल कैसे हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी प्रोफाइल बना सकते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएशन का ट्यूटोरियल चैनल में दे रखा है। उसका आई कार्ड में भी और मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहला काम है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से बना हुआ है, आपके प्रोफाइल को यहाँ पर ऑल स्टार्स मिला हुआ है, ठीक है, तो आपका जो इम्प्रेशन जाएगा, जो सामने वाले को जो अप्रोच करोगे वो आपकी प्रोफाइल चीज़ें देखेगा, तो उस पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख के अपनी प्रोफाइल को भी एक बार ही रीचेक कर लीजिए कि कोई पैरामीटर छूट तो नहीं रहा। अब दोस्तों जब आपके पास एक अच्छी आपकी खुद की प्रोफाइल है, आपका लिंक्डइन अकाउंट है, तो अब इसका यूज करके हम कैसे लोगों को इम्प्रेस करके, कॉन्टेक्ट करके हम इससे इनकम और क्लाइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, जैसे कि हम मैसेजेस में आते हैं, कई बारी आप और हम देखते हैं कि हमें इस तरीके से मैसेजेस आते हैं बहुत सारे लोगों के, लाइक डियर हितेश, होप यू आर डूइंग ग्रेट एट मीडिया भाई, आई एम ड्रॉपिंग, और सीधा उन्होंने बस मेरा नाम लिखा, कंपनी का नाम लिखा और अपना उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, ठीक है, कि हम ये प्रोवाइड करते हैं फला फला फला। तो दोस्तों इस तरीके के मैसेजेस बहुत आते हैं, बट इस पे लोग इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है। आपके पास भी आते होंगे, कौन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब यहाँ पर एक और मैसेज देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या करा, सीधा यहाँ पर गेट अ स्मार्ट बिजनेस वेबसाइट लीड जनरेशन कैंपेन इन्होंने डाला, इग्नोर इट। इस तरीके के मैसेजेस जिसमें कोई पर्सनल टच ना हो, सामने वाले को जब तक लगेगा ही नहीं कि आपने उसके बिजनेस पे, उसके प्रोफाइल पे, उनके काम पे रिसर्च की है, या उसको अपने से कुछ जुड़ा हुआ कॉन्टेंट लगेगा, तब वो एक बारी को इंटरेस्ट लेता है, उसको अच्छा लगता है। दोस्तों आपका भी अगर आपको कोई आपसे बात करे, कांटेक्ट करे और बस सीधा अपनी सेल्स पिच देना शुरू कर दे, तो क्या आप उसको एंटरटेन करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। जब तक आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई बातें या आपके प्रॉफिट से जुड़ी हुई बातें आप सही से नहीं किसी को बताओगे, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो वो बहुत जरूरी है सही से आपको चीजों को बताना, बनाना और पहले
उनको दिखाना कि आपने उनके ऊपर कितनी मेहनत करी है, पर्सनलाइज टच देना उनको, तब आपको लोग आपसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों उसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले तो आप वो इंडस्ट्री और वो लोगों को चुनिए, जैसे आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली देखिए। अब मेरा बिजनेस फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो mediabhai.com हमारी वेबसाइट है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और मार्केटिंग फंडास के साथ साथ ये हमारा एजुकेशन का हमारा नेटवर्क है। तो दोस्तों अब है क्या कि अब अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्लाइंट्स ढूंढूंगा तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जनरल मैनेजर्स, सीईओ, फाउंडर, इस तरीके के जो लोग हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। तो आप भी अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऊपर आप जैसे देख सकते हैं टॉप में सर्च का बार है, यहाँ पर आप जाइए। जैसे मैं सर्च करता हूँ, लाइक मैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये मैंने सर्च करा। अब दोस्तों जैसे मैंने सर्च करा मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो मेरे पास बहुत सारे ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए। अब इसमें भी दोस्तों फिल्टर्स हैं कि अब हम ऑल फिल्टर्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किस कंट्री में हमें टारगेट करना है, तो आपको इंडिया में करना है आप इंडिया में कर लीजिए चूज, आपको कंपनी के हिसाब से करना है तो आप कंपनी के हिसाब से कर लो, ठीक है, उनकी प्रीवियस कंपनीज के हिसाब से करना है तो वो कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट आप इंडस्ट्री के हिसाब से। सबको पता होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो किस इंडस्ट्री में है और आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, या मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट, या मैं और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज को करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब फाइनेंशियल अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, प्लेसमेंट्स एचआर कंपनीज कराना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो चीजें आपको लगें कि आपके हिसाब से आप जिसमें से फिल्टर कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको बिल्कुल सेलेक्टेड जो आप ढूंढ रहे हो वो लोग मिले, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और इसको अप्लाई कीजिए। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अब देखिए वहां पर पहले सर्च में कुछ आ रहा था, मेरे अप्लाई करने के बाद ये उतने रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब हमने ये देखा और अब इनमें से जैसे ये मेरे से कनेक्टेड भी है, अब बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं, अब बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ गए अलग अलग कंपनीज के और लोकेशंस के इंडिया के। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चुन लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले सेलेक्ट कीजिए आपको किनको करना है, फिर जिनको भी करना है मैसेज, आपको ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं करना बिल्कुल भी, यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आपको टाइम देना है। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए ये खोल रहा हूँ इनकी प्रोफाइल, तो मैंने ये प्रवीण सिन्हा जी की प्रोफाइल ओपन की। अब मैं इनके बारे में यहाँ कुछ पढ़ूंगा, ठीक है, कहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्लस इनके बारे में और डिटेल पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ सकता हूँ ये कहाँ करते हैं, कहाँ का इन्होंने काम कर रखा है, अभी करंटली कहाँ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें मैंने देखी। तो जब मैं इनके बिजनेस को समझूंगा, ये कहाँ काम कर रहे हैं करंटली, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, और इनके बारे में कुछ पढ़ूंगा, तो उसके बाद हमें एक कंटेंट बनाना है, पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाना है, जहाँ हम लिख रहे हैं लाइक हाय मिस्टर प्रवीण, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू योर दिस प्रोफाइल, ऐसे करके हमने कुछ सिर्फ दो तीन लाइनें बनाई, तीन चार पांच लाइनें बनाई, जिसमें हमने उनके बारे में या उनके काम या करंट बिजनेस के बारे में हमने कुछ उनको बोला, और उसके वो चाहे आप खुद लिख सकते हैं, अच्छा तो आप लिखिए, नहीं तो अपने कंटेंट राइटर से लिखवाइए। जैसे एक प्रोफेशनल प्रॉपर ऐसे नहीं लगना चाहिए, बहुत प्रोमोटिंग है, ऐसा लगना चाहिए एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। दोस्तों कंटेंट ही किंग है, एक अच्छा कंटेंट आपको कस्टमर हमेशा लाके देगा। फिर उसके बाद नीचे आप अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, कुछ ऐसा अपना यूएसपी बताइए जो शायद दूसरे ना दे रहे हो, क्योंकि जनरल आप एक चीज बताओगे शायद आपके कॉम्पिटिटर सब दे रहे हो, बट उस चीज को तो बताने का तरीका या उसके अंदर कोई चीज आप अपनी बेहतर बना रहे हो, तो आप एक प्रॉपर मैसेज बनाइए। फिर उसको उन सेलेक्टेड लोगों को आपने जिनको चुना उन सबको आप मैसेज कीजिए,
दोस्तों ये जो एक्टिविटी है ये आप खुद या फिर आप अपने किसी वो पर्सन जो इस काम को कर सकता है प्रोफेशनली उनसे कराइए, कंसिस्टेंटली कराइए और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा दोस्तों। अगर आपने मेहनत करी है इन सब चीज़ों के ऊपर तो 100% आपको रिजल्ट्स आएंगे, बिना कोई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के आएंगे। हाँ, टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, आपकी नॉलेज इन्वेस्ट होगी, आपकी रिसर्च R&D इन्वेस्ट होगा, आपका समय उस पर जो लगा है, बट दोस्तों यहाँ पर आपको वो प्रोफेशनल्स, वो हाई एंड प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो आपको कहीं से भी नहीं मिल सकते बिना बहुत पैसा खर्च करें। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप यूज़ कीजिए, इस पूरे प्रोसेस को। कंटेंट पे बहुत ध्यान रखिएगा, अपने लोगों को चुनिए किनको टारगेट करना है, क्योंकि वो आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से खुद चुनोगे, वो और कोई आपको नहीं बता सकता, वो आपको देखना है। और फिर सही लोगों को उनमें से सर्च करके उनको एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड टच देता हुआ, एक यूजफुल, एक उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला कोई मैसेज बना के डालिए और फिर देखिए आपको रिस्पांस क्या आता है। तो दोस्तों थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अब आप करेंगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों देखा, आज हमने जाना लिंक्डइन के थ्रू भी हम किस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप ये ज़रूर अप्लाई करोगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरी है किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीख पाएँ, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, SEO हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। लगातार हम वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि हम आप लोगों को डिजिटली एम्पावर कर सकें। दोस्तों आपका एक शेयर किसी को तो हेल्प करेगा ही करेगा, उसकी जॉब में, उसके बिजनेस में, उसके अलावा हमें भी इतना मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए लगातार और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। आपको और हमें मिलकर डिजिटली एम्पावर करना है अपने इंडिया को। तो दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम आप पर सबसे पहले अपडेट पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।